बिस्मिल्लाइम नाजिम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक मैं हूँ नाजिया कमल खेलों की खबरों के साथ मैं हूँ शफीक खान और बदलते मौसम की खबर लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस ने क़लील मुद्दत में माशी के लिए बड़े देरीना मसाइल हल किए बैन अवी सरमाों और कारोबारी बरदरी को तमाम सहूलियात मुहैया करना अव्वली तरजीह रही शहरे कैद के रिहायशियों को बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए कोशाँ वजी अनवर उलह काकड़ के इलेक्ट्रिक को दरपेश मसाइल तरजीह बुनियादों आरोप हल करने की हिदायत आवाम के फैसले की तकमील के लिए कौमी असम्बली का अजलास जल्द बुलाया जाएगा मुंतब हुकूमत के लिए चैलेंजेस भी बड़े होंगे पाकिस्तान टेलीविजन ने गैर जानबदार कौमी नशरियाती इदारे के तौर पर काम किया किसी खास जमात सियासी नजरिए और किसी खास उम्मीदवार के हक में कोई मुहिम नहीं चलाई नशरियात के हवाले से जदीद रुझाना के बारे में सोचना हम सब की जिम्मेदारी है वजीर तलात मुर्तजा सोलंगी आजाद हैसियत में मंतब होने वाले चार अरकान असम्बली की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत मुल्क को इंतजार नहीं इसकाम चाहिए नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान जबकि मुखालिफिन अपनी जात की बात कर रहे हैं हमारे लिए इकतदार नहीं मुल्क और आवाम की खिदमत अहम है चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की गुफ्तु इलेक्शन को मुतनाज बनाकर जमहूरियत को डी करने की कोशिश की गयी सोशल मीडिया पर जाली फॉर्म पैंतालीस अपलोड करने का मकसद इंतशार फैलाना था खैबर पख्तूनख्वा में जीतें तो अमल शफाफ पंजाब में हारें तो धांधली इलेक्शन पर वाइट पेपर कौम के सामने रखेंगे मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी तसादम की सियासत पर यकीन नहीं रखती पार्लियामेंट और जमहूत को आगे लेकर जाने का अज़म रखते हैं पी टी आई और जे यू आई ने अपने नजरियात दफन कर दिए सिंध और बलोचिस्तान के आला के नामों का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे पीपल्स पार्टी चेयरमैन सैनेट और स्पीकर के इंतबाब में अपना उम्मीदवार लाएगी फैसल करीम कुंडी की पार्टी रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में मीडिया ऐसी गुफ्तू कराची के अवाम जानते हैं कि कौन सी जमात उनके की महाफिज है मुखालिफिन बताएं उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए क्या काम किया एम क्यू एम ने भरपूर इंतजामी मुहिम चलाई हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस मुल्क के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे सबको कानून के दायरे में रहना है जो फॉर्म पैंतालीस मुखालिफिन दें वो ठीक लेकिन जो हम दें वो गलत ये लोग मजमू लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तमाम हकायक कौम के सामने लाऊंगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में भरपूर किरदार अदा करेगी रहनुमा आई पी पी ऑन चौधरी पाकिस्तान टेलीविजन की जानब ऐसी न्यूज लेटर पी टी वी नामा का इजरा कारीन के लिए मालूम का कीमती जरिया साबित होगा विफाकी वजी मुबारकबाद पाकिस्तान टेलीविजन रियासत के साथ साथ हवाम का भी तर्जुमान है पी टी वी ने तफरी और मालूम की फ्राहमी के साथ सकाफत और इकदार को भी फरोख दिया पी टी वी नामा का इजरा इदारे के अजम और जज्बे को जाहिर करता है मुर्तजा सोलंगी आलमी बरदरी की तमाम अपीलें बेअसर नेत फलस्ती पर इसराइली बरबरीत जारी गुजा चौबीस घंटों में मजीद एक सौ बारह अफराद शहीद मजमुई तादाद अट्ठाईस हजार सात सौ पचहत्तर हो गई अड़सठ हजार पाँच सौ बावन अफराद जख्मी रफा में दस लाख से जायद फलस्तीनी पनाह गुज़ीन है कोई भी हमला इंसानी अलमिया को जन्म दे सकता है अमरीकी सदर का इसराइल को इंतबाह मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारी और पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज बदनामे जमाना भारतीय एजेंसियों की छापा मार कार्रवाइयाँ मोदी हुकूमत तोसी पसंदाना पॉलिसियों पर अमल पैरा होकर खत्े के अमन को खतरे में डाल रही है कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस का तनाज़ा कश्मीर को अकवा मुतहदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च जारी पुलिस का मार्च के शुरा पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल पचास से जायद जख्मी दिल्ली और मुजाफात में एक महीने के लिए दफा एक सौ चवालीस नाफिज किसानों का अपने मुतालबात मंजूर होने तक एहतजा जारी रखने का ऐलान मोदी के लिए बड़ी परेशानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को ला और गुमनाम गुमनामिया देने के फंडिंग सिस्टम पर

पहाड़ों पर बर्फबारी का इमकान बारिशों और बर्फबारी के बायस कश्मीर खैबर पख्तूनखा मरी में लैंड स्लाइडिंग का खदशा सयाहों को महतात और तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत तेहरान में तैतीसवीं ते फजर ओपन ताइकवांडो चैंपियनशिप सतासी किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के हमजा सईद ने सोने का तमखा जीत लिया चौवन किलोग्राम कैटेगरी में शाहजेब खान चांदी के तमगे के हकदार ठहरे अपनी इस्तेमाल देरीना मसायल किए इस्लामा में के से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वजी अजम ने कहा की मुल्क में सरमाकारी और माशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए कारोबारी बिरादरी को सहूलतों की फ्रहमी तरजीह रही है इस बुनियादी असूल पर अमल पैदा होकर मुस्बत नतज हासिल किए निगरान हुकूमत आखिरी दिन तक मुल्की मीशत को दरपेश मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी उन्होंने कहा कि कराची के रहायशियों को बिजली की बिलातातुलरहमी की रहम तमाम रुकावटें खत्म करने के लिए कोशा हैं इजलास में कराची इलेक्ट्रिक के मसाइल और उनके हल के लिए तजावीज़ पेश की गई वजे अजम ने हदायत की कि नेपरा और कराची इलेक्ट्रिक तरजीही बुनियादों पर मसाइल का हल तलाश करें और इस सिलसिले में जल्द रिपोर्ट पेश करें कराची इलेक्ट्रिक के वफ ने दरीना मसाइल हल करने पर वजी अजम का शुक्रिया अदा किया अनवर ने नेशनल ट्रांसमिशन कराची इलेक्ट्रिक के दरकनेक्शन पर दस्तखत को खुश आइंद के लिए सियासी जमातों के आजाद उम्मीदवारों से जारी हैं आजाद हैसियत से कामयाब होने वाले कौमी असम्बली के एक और पंजाब असम्बली के तीन अरकान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है भक्खर से नो मनखब रुकने रशीद अकबर निवानी और सूबाई असम्बली के अरकान अहमद नवाज नवानी

नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुतहद करने वाली क़ुत का नाम है मंतब नुमाइंदों ने तामीर पास्तान के काफिले में शमूलियत इख्तियार की है उन्होंने कहा कि हमारे लिए इकतदार नहीं मुल्क और आवाम की खदमत अहम है नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान जबकि मुखालफी अपनी जात की बात कर रहे हैं मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेकाम चाहिए एन आर की फैलाने वाले आज भी इंतशार ही फैला रहे हैं और इनका निशाना पाकिस्तान और कौमी इदारे हैं उन्होंने कहा कि पंजाब के आवाम ने हमें मैंडेट दिया इनकी खिदमत का हक अदा करते हुए सूबे को तरक्की की मिसाल बनाएंगे मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए एक लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे वतन पर जान भी कुर्बान है मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और अता तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन को मुतनाज बनाकर जमहूरियत को डी करने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर जाली फॉर्म पैंतालीस अपलोड करने का मकसद इंतजार फैलाना था तफसी बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान लाहौर में मीडिया से गुफ्तु करते हुए मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जब फॉर्म 45 फाइव मरतब किए जा रहे थे तो पहले ही से तैयार करदा जाली फॉर्म सोशल मीडिया पर लाए गए उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 में सबसे ज्यादा आजाद लोग जीते अगर वो जाली है तो इसका मतलब आजाद लोग जीते ही नहीं जब इलेक्शन का रिजल्ट आना शुरू हुआ पांच बजे पोलिंग बंद हुई तो गालिबा छह बजे छह बजकर पांच मिनट पर इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हुआ और एक सर्ज आई मीडिया के ऊपर और जब हम अपने कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो फॉर्म फोर्टी अभी मुरतब किए जा रहे थे

सिर्फ अंगूठे लगे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से जो इन्होंने खैबर पखतनख्वा में अरबों रुपया कमाया था एक सेल कायम किया गया और ये जो सेल कायम किया गया है, तकरीबन सौ अरब रुपया इस पर ख़र्च किया गया ये जो डिजिटल टेररिज्म है मैं इसको डिजिटल टेररिज्म इसलिए कहता हूँ क्योंकि बाकायदा बैरूनी ताकतों की मदद से और मनसूबा बंदी के तहत रिजल्ट को मनिपलेट करने की कोशिश की गई जाली फॉर्म 45 सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए इससे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा की पी टी आई की के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक किसी के कहने पर नहीं लाई गई बल्कि ये सियासी अमल था और इस पर सियासी लोगों की मशावरत हुई थी मौलाना फजलान की सरबराही में तहरीके अदम एतमाद लाई गई इमरान की पार्टी मुल्क के खिलाफ मुल्क की सियासत के खिलाफ साजिश कर रही है इसकी पहली बुनियाद जो थी वो मुझे मौलाना की तकारीर से मिली और मुझे कई लोगों को मिली होगी के डाले जाने से जिन लोगों ने उसको फाइल किया जिस तरीके से वो फाइल हुई क्या सियासी हुई उस सब में मौलाना शामिल थे आज पता है नहीं उनको ये कहने की क्यों जरूरत महसूस हुई मलिक अहमद खान ने कहा कि मुल्क में इस्तेकाम के लिए काम करने वाली सियासी पार्टियां एक तरफ जबकि अदम इस्तेकाम वाली पार्टियां दूसरी तरफ हैं। मोहम्मद है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहन फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तसादम की सियासत पर यकीन नहीं रखते पीपल्स पार्टी ने मुल्क और जमहूरियत की खातिर मुस्लिम लीग नून का साथ देने का फैसला किया तफसील जानते हैं समी से इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई और जेयूआई ने अपने अपने नज़रियात दफन कर दिए हैं नफ़रत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं जमूरियत और मुल्क का इस्तेमाल जरूरी है उन्होंने कहा कि फैसला किया है कि वजारत उजमा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस को देखते हुए लॉ नोटिस को देखते हुए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए हमने एक फैसला किया कि हम पी एम एल एन को जो है प्राइम मिनिस्टर का वोट को हम देंगे ऑप्शन हमारे पास दो थी या हम पी एम एल एन को सपोर्ट करते या हम अपोजिशन में बैठते अपोजिशन में बैठते तो ये मुल्क एक और इलेक्शन की तरफ जाता और ये क्राइसिस की वजह से एक और इलेक्शन का नहीं हो सकता फैसल करीम कुंडी ने कहा कि में पीपल्स पार्टी को ऐसी अक्सरियत हासिल है बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द सिंध और बलोचिस्तान के बुजरा आला के नामों का ऐलान करेंगे फैसल करीम कुंडी ने वाजे किया की पीपल्स पार्टी सेनेट और स्पीकर के इंतबाब में अपना उम्मीदवार लाएगी प्रेजिडेंशियल इलेक्शन स्पीकर का इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस हैं इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेकर आएगी और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी इतिहादी जमात इसमें हमें सपोर्ट करें इस वक्त बलोचिस्तान में हम एक मेजॉरिटी पार्टी हैं और हम ये उम्मीद करते हैं जिस तरह हम पंजाब में और मरकज़ में सपोर्ट कर रहे हैं इतहादी जमातों को इस तरह हमें बलोचिस्तान में भी सपोर्ट किया जाएगा पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा की मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामान और जमहूरियत का तसलसल सबसे अहम है पीपल्स पार्टी इस जिम्मे में अपना किरदार अदा करेगी हम चाहते हैं की ये असम्बली चले ये जमूरियत चले ये मुल्क आगे चले पीपल्स पार्टी का हमेशा प्रार्टी रही है जमूरियत रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी क्वालिटी की तरफी चंद ने कहा कि पीपल्स पार्टी का वाज मौक है की सियासत में अवमी मुफादी ना से मुकदम है सियासी का बहाल रहना मुल्क इस्तेमाल के लिए लाजिम है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी के रहन शर्जील नाम मेमन कहते हैं की एहतजाज करने वालों को इंतबा में आवाम ने मुस्तरद कर दिया और अब यह एहतजाज करके मुल्क में इंतजार फैला रहे हैं वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसकी तफस बता रहे हैं जीशान खान। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध के किसी भी जिले में जीडीए का कोई उम्मीदवार नहीं जीता क्योंकि जब सिंध में सैलाब आया तो पीपल्स पार्टी ने लोगों की खिदमत की और ये सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रहे शर्जील मेमन का कहना था की मुल्क की तारीख में पहली बार जमहूरी तरीके ऐसी पी की तहरीक के जरिए वजीर आजम को हटाया गया अब कुछ लोग मासूम क्यों बन रहे हैं तहरीके प्योरली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मूव थी और बगैर किसी डिक्टेशन डिक्टेशन के थी और मौलाना साहब उस वक्त उस पूरे मूवमेंट का हिस्सा थे तो उनको उसको अप्रीशियट करना चाहिए अब बैठ के ए पे इल्जाम बी पे इल्जाम सी पे इल्जाम मेरे ख्याल से ये चीजें मुनासिब नहीं है शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं और हमारे दरवाजे मुजाकरात के लिए सब जमातों के लिए खुले हैं शर्जील मेमन का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं किसी और पार्टी ने नहीं दी उन्होंने कहा कि हमें अपने इदारों को मजबूत करना है जिशान अहमद खान कराची। पाकिस्तान पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कराची के रहनुमाओं ने कहा है कि इंतबाब के लिए हमने भरपूर मुहिम चलाई और हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तफसी बता रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी मुत कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के अवाम जानते हैं कि कौन सी जमानत उनके हकूक की महाफिज है जमात इस्लामी समेत तमाम मुखालफी बताएं कि उन्होंने कराची के लिए कौन से काम किए खालिद मकबूल ने कहा कि तारीख के सफात को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि हक बयान किए जाए की जा रही हैं, वो इलेक्शन से कबल क्यों नहीं हुई मामला ये कैसी, ये से पहले क्यों नहीं की गई के नतज के बाद ये बात करने ऐसी बातें करने की जरूरत क्यों महसूस की गई क्या ये महज सियासी मफदात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहला सकती कहलाई जाएंगी तारीख उसको किस नजर से देखेगी अगर जमहूरीत को खुदा ना खासता नुकसान पहुँच गया तो फिर इस पर किसकी किस पे जिम्मेदारी डाली जाएगी वाफी हजरा जिस मीटिंग की बात कर, की जा रही है छब्बीस मार्च की उसमें एम क्यू एम को भी मधु किया गया था मैं मौजूद था जो कुछ जुबार मौलाना फजलान ने इस हवाले से की है खताब करते हुए इस्लामी समेत दीर जमातों का कहना है की हालिया इंतबात में उनका मैंट चलाया गया है जबकि दो हजार अठारह के इंतबात में कराची के नतज तीन दिन तक नहीं आए थे और एक जमात को कराची की चौदह नशस्तें दी गई थी उन्होंने कहा की कराची का मैंडेट हमेशा हमारे पास रहा जो दो हजार अठारह में हम से छीना गया और कराची के अवाम ने एक बार फिर हम पर एतम किया है और हम आवाम के मैंडेट को अब किसी को चलाने की इजाजत नहीं देंगे हसन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज कराची ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के सदर और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबरा पीर साहिब पगारा पीर सिबगतुल्ला राशिदी ने कहा है कि तमाम इदारे हमारे अपने हैं कौमी इदारों के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते हैदराबाद में खताब करते हुए उन्होंने कहा कि फौज मुल्की सरहदों की मुहाफ़ और दहशत गर्दों से लड़ रही है उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज का मकसद अपने तहफा दर्ज कराना है इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनमा ओन चौधरी ने कहा है कि उन्होंने एन ए एक सौ अट्ठाईस लाहौर से कामयाबी हासिल की मुखाल उम्मीदवार एक ही गर्दान कर रहे हैं कि धांधली हुई है हमारे किसी को खेलने नहीं देंगे ओन चौधरी ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में लिखा है कि मुखालिफ उम्मीदवार ने लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को जदोकोब किया उन्होंने कहा कि हमने कानून के दायरे में रहना है जो फॉर्म पैंतालीस ये दें वो ठीक है लेकिन जो हम दें वो गलत ये लोग मजमू मकासद के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ओन चौधरी ने कहा कि तमाम हक़ कौम के सामने लाऊंगा तहरीक के रहन ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अवाम ने आठ फरवरी को तारीखी वोट दिया जिस पर खराज तहसीन पेश करते हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन से काबिल पार्टी का निशान लेने से मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई इसके बावजूद आवाम ने आजाद उम्मीदवारों का को कामयाब बनाया उन्होंने कहा की मुल्की तरक्की के लिए जमहूरियत का इस्तेकाम जरूरी है हम अपने तहफात को हर फॉरम पर उठाएंगे पिशावर कोर्ट ने उमर अयूब के तमाम मुकदमा में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है अदालत ने उमर अयूब को एक लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है और एक माह में मुतल अदालतों में पेश होने का हुक्म भी जारी कर दिया है पाकिस्तान टेलीविजन की जानब से न्यूज लेटर पी टी वी नामा का इजरा कर दिया गया तकरीब से ख़ताब करते हुए निगरा वजे अतलात नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि पी टी वी रियासत के साथ आवाम का भी तर्जुमान है पी टी वी ने न सिर्फ हमारी कौम को तफरी और मालूम फराहम की हैं बल्कि सकाफत और इकदार को भी फरो दिया है तफसील जानेंगे यासिर हुसैन से इतलात और नशरियात के निगरान वफाक वज़ीर मुर्तजा सुलंगी ने पाकिस्तान टेलीविजन के मीडिया सेंटर में न्यूज़ लेटर पी टी वी टाइम्स का इजरा किया रुनाई की तकरीब में सेक्रेटरी इतलात शहीरा शाहिद एम डी पी टी वी सैयद मुबशर तो शाह डायरेक्टर न्यूज़ आरिफ महमूद डायरेक्टर इंजीनियरिंग आरिफ नूर डायरेक्टर एडमिन फरत अब्बास चंजुआ और मलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तजा सुलंगी ने कहा कि पी टी वी पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है पी टी वी को जदीद टेक्नोलॉजीज अपनाते हुए मुस्तबिल का लायहा अमल मुरतब करना होगा उन्होंने कहा की पी टी वी ने अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी अदा की हैं मुझे इस बात की खुशी है की जो पिछले तकरीबन छः माह गुजरे हैं निगरान हुकूमत के उसमें पाकिस्तान टेलीविजन ने मजमू तौर पर एक गैर जानेबदार और एक कौमी नशरियाती इे के तौर पर काम किया है आप लोगों ने किसी ख़ास जमात किसी ख़ास सियासी नज़रिए और किसी ख़ास उम्मीदवार के हक में कोई मुहम नहीं चलाई मुर्तजा सुलंगी ने कहा कि पाकिस्तान कसरु सकाफती और कसरो लिसानी मुल्क है और पी टी वी ने मकामी ज़बानों की तरवीज के लिए बेहतरीन काम किया है मैं समझता हूँ कि जो मकामी ज़बानें और सकाफतें हैं उनकी तर्जुमानी किसी और इदारे ने नहीं की जितनी पाकिस्तान टेलीविज़न ने की है हमने मुल्तान जो टेलीविज़न सेंटर है उसकी 24 घंटे की नशरियात जो है वो शुरू करवाईं इसी तरह से बलूचिस्तान में बोलान टीवी वी जहाँ पर और जो मकामी ज़बानें हैं बलोची और ब्राहवी और पश्तो उसके साथ साथ हमने हज़ारगी जबान जो है जो वहाँ की अहम जबान है उसमें प्रोग्रामिंग शुरू कराई सेक्रेटरी इतलाआत शहीरा शाहिद ने कहा कि पीटीवी की जानिब से न्यूज़ लेटर का अजरा एक अहम संगल है पीटीवी टी बेशुमार काम करता है ये 18 लैंग्वेजेस में इनके प्रोग्राम्स आते हैं नौ चैनल्स हैं इसमें जो पीटीवी नहीं करता वो ये है कि वो अपने अपनी तशीर नहीं करता सो ये एक मीडियम आपके पास ऐसा है जिससे कि आप बताएँ दुनिया को कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं एम डी पी टी वी ने कहा कि न्यूज़ लेटर हमारे कारीन के लिए मालूम का मैगजीन पी टाइम्स के एडिटर और जीएम मीडिया रिलेशंस मोहम्मद नवीद अज़हर ने कहा कि न्यूज़ लेटर इदारे के रवाबित में बेहतरी का बायस बनेगा पाकिस्तान टेलीविजन के तमाम जो शोबे हैं वो इसमें भरपूर किरदार अदा करेंगे और अभी से वो अपनी तहरीरें और पिक्चर्स जो हैं वो हमें भेजेंगे तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर जो शुमारा है वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो टेक्निकली भी हमने लिखा है एक आर्टिकल मैंने भी लिखा है जिसमें जिसका बेसिक पर्पज़ ये था कि यंग को पता निगरानर्तजा सुलंगी ने पी टी वी के मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट का बाबा अफ्त किया पाकिस्तान टेलीविजन का न्यूज लेटर पी टी वी टाइम्स कौमी नशरियाती इे का मिसबत तजागर करने में माविन साबित होगा यासिर हुसैन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद मसहबी उमूर के निगरान विफाकी वजीर अनीक अहमद और सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईदालिकी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई जिसमें हज इंतजाम समेत मुख्तफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया विफाकी वजीर ने सऊदी हुकूमत के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हज इंतजाम को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा उन्होंने कहा कि सऊदी हुकूमत की हिदयात के मुताबिक प्राइवेट स्कीम के जरिए हज करने के खाहिश आजमीन को मजीद आसानी फराम की गई है सऊदी सफीर ने प्राइवेट हज कंपनियों के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया उन्होंने कहा कि कराची एयरपोर्ट से रोड टू मक्का शक्ल देने के लिए सीनियर हुकाम रवा माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे सरकारी आजमेट को भी रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा गजा में इसराइल की दहशत गर्दी और मजालिम का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा रफा और खान यूनस में निहत् फलस्तीनियों पर मुसलसल बमबारी की जा रही है आलमी अदालत इंसाफ और आलमी बरदरी की तमाम अपीलें बेअसर साबित हो रही हैं फ़लस्तनी वजारत सेहत के मुताबिक सेहनी दहशतगर्दी में गुजशत चौबीस घंटे के दौरान मजीद एक सौ बारह अफराद शहीद और मुतद ज़ख़्मी हो गए सात अक्टूबर से जारी सियोनी बरबरीत में अब तक अट्ठाईस हजार सात सौ पचहत्तर फलस्ती शहीद और अड़सठ हजार पाँच सौ बावन जख्मी हो चुके हैं सियोनी फौज ने खान यूनिस के सबसे बड़े हस्पताल नसर का मुहासरा करके मरीजों और पना गुजीनों को निशाना बनाया आलमी अदारा सेहत ने इसराइल से हस्पताल तक रसाई देने का मुतालबा करते हुए कहा है कि बड़ी तादाद में मरीज हस्पताल के अंदर मौजूद हैं और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के साथ ईंधन की फरहमी की फौरी ज़रूरत है बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई मुन होने की वजह से चार मरीज लुकमा अजल बन गए सिहोनी हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि फलस्ती रियासत को तस्लीम नहीं किया जाएगा अमरीका ने कहा है कि रफा पर हमले की वजह से चौदह लाख अफराद का इनखला तबाही होगा रफा और दूसरे इलाकों में इसराइली फौज की कार्रवाई से फलस्तियों की बड़ी तादाद मिस्र की सरहद के करीब पनाह की तलाश में है पना गुजीनों के लिए अकाम मुतहदा के हाई कमिश्नर का कहना है कि रफा से मिसर के जजीरा नुमा सिनाई में पना गुजीनों की बड़ी नकलो हरकत मशक़ वस्ता में अमन के इम्कान के लिए तबाहकुन साबित होगी अकवा मुत के सेक्रेटरी जनरल जनरलियो गुतरस ने कहा है कि गजा में इसराइल की तरफ से फलस्ती आवाम को इजमायी सजा देने का कोई जवाब नहीं म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने गजा में फलस्ती शहरियों की दिल दहला देने वाली शहादतों पर मजम्मत करते हुए फलस्तनी आवाम के लिए रियासती मजामत को नाकाले कबूल करार दिया रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई जारी है यूक्रेनी सरहदी शहर में दोनों एक दूसरे पर शदीद हमले कर रही रूसी ने शहर को तीन अतराफ से घेर लिया है यूक्रेनी सदर वी ममालिक के दौरे के पहले मरहले में जर्मनी पहुँचे हैं उधर यूक्रेन और जर्मनी के दरमियान सलामती माह तय पा गया है दोनों ममालिक के दरमियान दस साल के लिए मददे पर दस्तखत हुए हैं उधर रूस ने कहा है की खलाई जौहरी इसलहे की तनसीब से मुतालिक दावे गुमराहुन हैं रूस के सदारती तर्जमान दमिस्कोफ ने मॉस्को में सहाफियों से बातचीत करते हुए रूस यूक्रेन में खसूस अस्क्री ऑपरेशन को जारी रखेगा ये उन्होंने कहा और उनका यह भी कहना था कि हमने यूक्रेन में ऑपरेशन तयशुदा अहदाफ के लिए शुरू किया था इस्तेकाम के बाद को पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है अमीर कोशर अहमद अल जाबिर की तरफ से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि कानून साजों के नामुनासिब और जारहाना बयान इस फैसले का मौजिब बने हैं काबीना कमेटी की जानवर से दरख्वास्तफाकते से सात के तहत पार्लियमान तहलील की जा रही है कोविड के आइन के मुताबिक मुल्क में साठ दिनों के अंदर नए इंत होंगे मकबूजा की मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुरत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कश्मीर अको मुतहद की मुतल करदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर का हल चाहते हैं कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हरियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय के हाथ बेगुनाह कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं और वो इख्तलाफ रही हर आवाज़ को दबाने पर तुली हुई है इंतहा पसंदा जम्मू कश्मीर और अपने पड़ोसियों के खिलाफ तोसी पसंद पॉलिसियों पर अमल पैरा होकर खिते के अमन को खतरे में डाल रही है भारतीय फौजियों ने श्रीनगर कुपवाड़ा और दीगर अजला में महाजरे तलाशी की कार्रवाई और घरों पर छापों के दौरान दो नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया भारतीय काबिज हुकाम ने कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस के सीयर रहन मीरवाज़ उमर फारूक को एक बार फिर श्रीनगर की तारीख जाम मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया और उन्हें श्रीनगर में रिहाइश गाह पर नजरबंद कर दिया कुल जमाती हुरियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू कश्मीर शाह के कनर महमूद अहमद सागर ने अको मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल टो गौत के नाम एक खत लिखकर उनकी तवज्जो मकबूज़ा जम्मू कश्मीर और भारतीय जेलों में बंद कश्मीरियों की हालत इजार की तरफ मबजूल कराई है उन्होंने कहा कि नजरबंद कश्मीरी सियासी रहनुमाओं के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है भारतीय हुकूमत के इकदमा के खिलाफ किसानों का एहतजा जारी है सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में पचास से ज्यादा किसान जख्मी हो गए हैं अपने मुतालबात मंजूर होने तक भारतीय किसानों ने एहतजा जारी रखने का ऐलान किया है पुलिस ने हजारों किसानों को नई दिल्ली की तरफ मार्च करने से रोकने के लिए रबड़ की गोलियां और आंसू गैस का बेदरीक इस्तेमाल किया एहतजाज की वजह से रियासत हरियाणा के सात अजला में इंटरनेट बंदिश की मुद्दत में मजीद दो दिन की तोसी कर दी गई है अम्बाला क्रकशतीर केथल जंद फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सर्विस बंद है किसान हरियाणा और नई दिल्ली की शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसानों ने पंजाब के केजीर आजम मोदी की जमात बीजेपी को इलेक्शन से कबिल मुश्किल में डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लाहदूद और गुमनाम देने की इजाजत के सात साल पुराने फंडिंग सिस्टम को गैर आईनी करार देते हुए नए बॉन्ड्स के पाबंदी आयद कर दी चीफ जस्टिस डीवाई की सरबरा में पांच रुकनी बेंच ने फैसले में कहा कि सियासी जमातों को भारी चंदा देने वाला फर्द या कंपनी रियासत की पॉलिसी साजी पर भी असरअंदाज हो सकते हैं इसलिए इनके बारे में मालूम हासिल करना भी जरूरी है अदालत ने अब तक खरीदे गए बॉन्ड्स के खरीदारों की तफसील और चंदा दी गई जमात की मालूम फ्राहम करने का भी हुक्म दिया है फैसले को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक धजके के तौर पर देखा जा रहा है जो दो हजार सत्रह में मुताारिफ कराए गए इलेक्शन फंडिंग सिस्टम से सबसे ज्यादा फायदा उठाती आई है और सदर डॉक्टर आरिफअल ने आदम जी लाइफ इंश्योरेंसिड और ई एफ यू लाइफ इंश्योरेंस की जानब से विफा महत के फैसलों के खिलाफ दायर की गई दो अलग अलग दरखास्तों पर फैसला देते हुए हिदायत की है कि कंपनियां इंतकाल करने वाले पॉलिसी होल्डर्स के कानूनी वरसा को चौंतीस लाख साठ हजार रुपए के डेथ क्लेम्स अदा करें सदर मुमलिकत ने दायर करदा अपीलें हक़ का जायजा लेने और फरीक़ेन को सुनने के बाद मुस्रद कर दी सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम काउंसिल का हुआ काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सर्राह में होने वाले में जज अली अकबर नकवी के बेटों को बतौर गवाह तलब न करने का फैसला किया गया अजलास के दौरान मुस्तफी जज को सरकारी प्लाट्स के अलॉटमेंट से गवाहों के बयान कलम बंद किए गए चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकम्मल इधराक है की मामला सुप्रीम कोर्ट में जरतवा है लेकिन अदालत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना जारी नहीं किया कुछ दीगर जजेस के खिलाफ भी शिकायत है जिनका बंद कमरे में होने वाले इजलास में जायजा लिया जाएगा उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्रवाई मुतल जज की दरखास्त पर ओपन की गई लोग भूल जाते हैं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की यह कार्रवाई टैक्स के पैसों से होती है इलेक्शन कमीशन ने एन ए पंद्रह मानसेहरा से मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की दरखास्त मंजूर करके उजरदारी बहाल कर दी मजद बीस फरवरी को होगी मेम्बर निसार दुरानी के सबराही में तीन रुकनी बेंच ने मामले की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक दार्बली के तीन हल्कों के नतज के खिलाफ दायर दरखास्तों को हिदायत के साथ निपटा दिया है तीन हल्कों एन ए छियालीस सैतालीस और एन ए अड़तालीस ऐसी हारने वाले तीन आजाद उम्मीदवारों शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज को चैलेंज किया था अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मामला कानून के मुताबिक के के की, की है और चमन के अवाम ने करने वाली जमातों से फौरी तौर पर सड़कें खोलने का मुतालबा किया है अवाम का कहना है की सड़कें बंद होने से रोजमर्रा जिंदगी दरहम बरहम हो गई है जो इंतबा में शिकस्त खाने वाली सियासी जमातें हार तस्लीम करें आप तालीम याफ्ता होने का सबूत दें और आवाम को मुश्किल में मुबतला न करें عبد الله د چمنو سېدون کې ام پورتاج روډ باندې چولا کوم دا کم پارټيانو چې مختلفه روډونه بند کړې دي دا وټونه بایلې دایي مهرباني وکې دا عوام ته د تکلیف نور تیر کماته پر وړ باندې کم پرامنه اکشن وشوده سې عوام کم سړې نه منتخبې او کم سړې سار نه مني او آر والا سې دغه پر روډو باندې ناشنه نو آلیازه دا د عوام سره سره ظلم دي نه دي جبر دي نو حکومت سمرد عام طالبان که و چې باید دا شی حل شي زموږ شعبہ سوزین را رسېد زموږ د دیخو مریزان سمش پوچلره سوونه رسې ا منګونه باندې نادراوې باندې دي سرکاري ارزې باندې نو موږ دغه خرګو ته خاص کوو چې وروره د شهر کې امن راولي څوک مریزام لري څوک نا جون اسپاتال لري څوک چې چولې بدا کچو کې سنروونه څه دا خلک دي چې وتا ته وټولم درکې مخاليب خلک ټول کوي چې تا ګټي لا غوډي د موشي دي چې اغه تل ملت سره اغه د شهروبل سړی نه دی تم تل ملت سره چې لون دی روژ دی وروج بند کړی دی دا به موږ د شاریا نه فارخ دی من نسبی چې تا روژ بند کړی او لا خپل داوام څنګه ته چې پر سوال دی دا پر امن ولو او چې چا ګټي دی هغه ته مبارک وي چې چا به له جاده اغه د نو داینه کې هیڅ پروګرام نه یاشه سره ته پته کلیپ درنه راستی نه دي یو مونځه یې کوي چې درنه چې ونیې شار په ته کلیپ ته مموريزانټ لایسي نو په شنیم سکول ته لایسي وینم دا سکولونه باندې نن درنه ته نن چلوستې مر باندې دوی کې دا وکسیو ماملیو دا ته خاتم کې چې هغه ټل د اغلارو چې په لږه د اغه د درنه وته منجلسي مونځه یې نه کوي गाजियान वतन को सलाम नाजिन सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी में ला तादाद शहदा और गाजियों का खून शामिल है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दिफाए वतन में अपना तन मन कुर्बान कर दिया इन शेरों और गाजियान में हवालदार नासिर महमूद भी शामिल है जिन्होंने बलोचिस्तान के इलाके अवरान में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी एक टांग की कुरबानी दे दी इस गाजी का जज्बा आज भी मुल्क की खिदमत के लिए जवान है नाम वालदार नासिर महमूद है मैं जिला रावलपिंडी पिंडी तहसील कोहटा से तलब रखता हूँ मैंने अपनी जिंदगी के सत्रह साल फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान में रहते हुए बलोचितान के मुख्त अजला में दफ़ाए वतन का फरीजा सारे अंजाम दिया बलोचिस्तान एक पहाड़ी इलाके आरोप मुश्तम सूबा है इसकी वजह ऐसी दहशत गर्द बाहसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते और ज्यादातर वो कड़वईयों पर हमलावर होते अक्टूबर दो अक्टूबर 2011 में अगली पोस्टों पर समान तरसील के लिए हम जा रहे थे हमारी जो पोस्टें दूर दराज इलाकों में तो रस्ते में दहशत गर्दों ने आई लगा दी उस आईडी की वजह से धमाका हुआ और वो तबाह हो गई दहशत गर्दों के इस बुजदलाना हमले में हमारे दो साथी शहीद हो गए मेरी टांग भी शहीद होगी हमें फ़ख्र है कि हमने अपने वतन की खातर ये और कुर्बानियों का ये सिलसिला चलता रहेगा हम उनकी हाथ में टाँग शहीद हुई है जब चलता फिरता है ठीक ठाक होता है तो उस पर और अभी में बहुत फ़र्क है इनकी टांग की वजह से मुश्किल भी होती है लेकिन हम मिलजुल करम्प्रोमाइज़ करते हैं है। इनका सहारा बनती हूँ कोई मुश्किल भी होती है उनके साथ खड़ी रहती है और इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी भी इनके साथ खड़ी होगी पाक फौज की जानब से प्यूचार सवात के दूर दराज इलाकों में खुवान को खुद मुख्तार बनाने के लिए इकदाम जारी हैं पाक फ़ौज ने गुजशत साल इलाक़े में वेमे स्किल सेंटर कायम किया जहाँ पर मकामी ख़्वीन को सिलाई कढ़ाई और दस्तकारी की तरबियत दी गई पे के सेंटर में तीन माह पर मुश्तमिल पहले कोर्स के अख्ताराम पर खूशी तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें खुवान को सिलाई मशीनें और नकद नामा दिए गए तकरीब के दौरान मकामी खुवान की जानब से कोर्स के दौरान मुकम्मल की गई सिलाई कढ़ाई और कपड़े भी नुमाइश के लिए रखे गए थे मकामी खुवान ने पाक फौज के इन इकदाम को सराहते हुए कहा कि तरबियती मरकज से उन्हें खुदमुख्तारी के साथ बात रोज़गार हासिल करने में आसानी होगी पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान अठारहवीं ग्रुप का चार रोजात में हुआस में पाकिस्तानी वफद की क्या दफा लेफ्टिनेट जनरल रिटायर्ड हमूदजमान खान जबकि तुर्की के वफद की सरबराही तुर्की के डेपटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इरफान अजिस ने की वफूद ने गुजतर साल तुर्की में अजलास के इनका के बाद से अब तक होने वाली पेशरफ का जायजा लिया तरबियती मशकों दौरों के तबादले और दिफाई साजो सामान की मुश्तरक पैदावार से मतलब अमूर पर तबादला ख्याल किया गया इस बात पर इतफाक़ किया गया कि मीटिंग का उन्नीसवं दौर दो हज़ार पच्चीस में बाहमी तौर पर तयशुदा तारीखों पर तुर्की में मनद होगा ग्रुप इजलास के बाजाबादा सेशन के इनका से कबल तुर्की चीफ आफ जनरल स्टाफ ने सक्रटरी दिफा लेफ्ट जनरल रिटायर्ड हमूदुजमान खान से मुलाकात की दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन की रफ्तार पर इतमीन का इजहार किया और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने का अहद भी किया सैनेटर मुशाहिद हुसैन सैद ने रूस के हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया पार्टी की दावत पर मॉस्को का दौरा किया जहां उन्होंने जदीद नबादियात के खिलाफ जदोजहद करने वालों के फोरम के इजलास में शिरकत की इस मौके पर सैनीटर मुशाहिद ने फोरम की चेयरमैन और रूसी फेडरेशन के सबक सदर द्रेदौफ से मुलाकात की मुशाहिद हुसैन ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तान और बदलता इलाकाई मंजरनामे के अनवान से रूसी सफारती अकैडमी में लेक्चर दिया उन्होंने पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ते हुए तल्लत बिलखसूस तोानाई रवाबत और अफगानिस्तान समेत इलाकई सलामती एस सी ओ और अको मुतहदा समेत कसीर जहती फ़ोम्स के दरमियान तावन पर रोशनी डाली सैनीटर मुशाहिद हुसैन ने इस्लामोफोबिया पर सदर प्यूटिन के मौकफ़ को भी सराहा निगरान वजी सेहत डॉक्टर नदीम जान की हिदायत पर वजारत ने अपने माहत इदारों में शुगर प्रोडक्ट्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है निगरान वजी सेहत ने एक बयान में कहा है कि ज्यादा इसकी रोकथाम के लिए छः अरब अस्सी करोड़ रुपए के प्रोग्राम का आगाज़ किया है मुतदी और गैर मुतादी अमराज की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम को यकीनी बना रही है उन्होंने कहा की शुगर ड्रिंक से मुख्तलिफ अमराज में मुबतला बच्चों और जवानों की जिंदगियाँ खत्म हो जाती हैं कलील मुद्दत में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर अलाहत की हैं निगरा वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पता लाहौर के ओ पी डी का अफताब ब्लड कैंसर में मुबतला बच्चों से कराया और ब्लड कैंसर में मुबतला बच्ची कायनत बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वाले बच्चे अब्दुल मुफ्ती हनान और डोनर शेरबाज से शफकत का इजहार किया मोहसिन नकवी ने कहा कि ओ पी डी फार्मेसी बच्चों के दाखिले और डिस्चार्ज और मेडिसन स्टोर में हॉस्पिटल इन्फॉमेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है महसिन नकवी ने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सेज का फर्ज है कि चिल्ड्रन हस्पताल पर पूरी तवज्जो दें निगरान वजी पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विस अस्पताल लाहौर का दौरा किया मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तमीर का जायजा लिया निगरान वजी अला ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की जल्द तकमील के लिए मुतलिका हुकाम को हिदायत दी और कहा कि मनसूबे को तेज़ रफ्तारी से जल्द मुकम्मल किया जाए खैबर पख्तूनख्वा के निगरा वजी अला सैयद अरशद हुसैन शाह ने सूबे में गैर मनकूला प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए जदीद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का इज़रा किया इब्तदाई तौर पर इस सिस्टम का इज़रा दो अजला नौशहरा और एबाबाद में किया गया है जिसको जल्द सूबे के दीगर अजला तक तो दी जाएगी इस मौके पर मनदा तकरीब से खिताब में वजीर ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के इस जदीद ऑनलाइन सिस्टम का अजरा एक एहसन इकदाम है जिससे टैक्सों की वसूली में आसानी पैदा होगी वजीर ने कहा कि टैक्सों की अदाय के मौजूदा मुश्किल और पेचिदा निजाम के टारगेट का है। इस से शहरी टैक्सों की अदाय घर बैठे आसानी से कर सकेंगे वजीर अलांटरबोर्ड के फर्स्ट ईयर दो हजार तेईस के इम्तिहान में बच्चों की पासिंग परसेंटेज में कमी के मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के की सिफारिश की मंजूरी दे दी निगरान वजी सिंध ने मामले की तहकीकत के लिए फैक्ट फाइंड कायम की थी जिसके सरबरा एन ई डी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज लोधी थे कमेटी की सिफारिश पर वजीर अला सिंध ने आई टी सेक्टर के मोहम्मद शहीर वक़ार को फ़ौर अहदे से हटाने की हिदायत कर दी कमेटी ने सिफारिश की है कि प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल और जनरल साइंस के बच्चों को पंद्रह फीसद इजाफी मार्क्स दिए जाएँ कमेटी की सिफारिश पर वजी अल सिंध ने पेपर्स की जाँच मरकज़ की तादाद बढ़ाकर दस करने की हिदायत कर दी वजी अल सिंध ने कवायद जवाब पर अमल न करने वाले बोर्ड अफसरान के खिलाफ इजहार बरहमी करते हुए नोटिस जारी करने की भी हिदायत की है गवर्नर सिंह कामरान खान टीसोरी की निगरान वजी आबपाशीश ने कराची में मुलाकात की मुलाकात में माशी और सियासी सूरत हाल सिंध में आपाशी आप निज़ाम की बेहतरी और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क ज़रात में सूबे का अहम हिस्सा है सिंध में आपाशी आप के निजाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन वसाइल का इस्तेमाल जरूरी है पार, पार्लियामेंट हाउस में, हुआ। इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों को दरपेश मिसाइल पर गौर किया गया ने मिसाइल के हल के लिए उठाए गए इकदाम ऐसी अजला को आगा किया कमेटी ने समंदर पार पाकिस्तानियों को मुल्क का अजीम सरमा करार देते हुए कहा की उनकी फलाह और बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे की बेहतरी और गैर कानूनी तजारत को रोकने के लिए पर इस हवाले से गुजशत साल सितम्बर से मुल्क भर में स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया यकुम सितम्बर से अब तक मुल्क भर से के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान बड़ी मकदार में चीनी आटा खाद सिगरेट कपड़े के थान और ईरानी तेल बरामद किया गया निगरान हुकूमत अस्करी क्यादत और मुताल हुकूमती इदारे मुल्क भर से स्मगलिंग जैसे नासूर से छुटकारा हासिल करने के लिए पुरम है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है अब तक की कार्रवाई के दौरान सत्रह हजार पांच सौ चौंसठ मुलाजमी को मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है वजारत तो पार डिविजन की हिदायत के मुताबिक इंसदा बिजली चोरी मुहिम को एक सौ सतावन रोज़ मुकम्मल हो गए हैं इस दौरान कुल चौवन हज़ार बानवे मुलजमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए उनचास हज़ार नौ सौ सात मुलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर सत्रह हज़ार पाँच सौ चौंसठ मुलमान को गिरफ्तार किया गया बिजली चोरों को अब तक सात करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार पाँच सौ अड़तालीस यूनिट्स चार्ज किए गए हैं जिनकी मालियत दो अरब तिरासी करोड़ आठ लाख निन्यानवे हजार से जायद है गुजशत चौबीस घंटों के दौरान रीजन भर में चार सौ सात मुलजमान बिजली चोरी में मुलवस पाए गए जिनमें से एक सौ सतावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं तमाम कनेक्शन मुनकता करके उनको तीन लाख बयालीस हजार एक सौ तिरानवे यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं जिनकी मालियत एक करोड़ नौ लाख तैंतालीस हजार सात सौ बयालीस रुपये है बिजली चोरों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े कमर्शियल सारिफिन भी बिजली चोरी में मुलवस पाए गए हैं खबर आबे वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर सर्दी अभी गई नहीं बादलों ने फिर से बरसने की तैयारी कर ली है महकमे मौसमियात ने 17 से 21 फरवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है मरियम मलिक की रिपोर्ट मुलाहि कीजिए बारिश से लदी मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होने को तैयार सत्रह और अठारह फरवरी की दरमियानी शब से हवाएं मुल्क को अपनी लपेट ले में लेंगी मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बलाई पंजाब और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसेंगे तो खैबर पख्तनख्वा आजाद कश्मीर और गिलगिल गिल बल्तिसान में बर्फबारी का भी इम्कान है सिंध में तेज हवाएं चलेंगी कल ऐसी मगरब ऐसी बारिश देने वाली हवाओं का सिलसिला जो है वो मुल्क में दाखिल होगा जिसके बास मुल के बलाई हिस्सों में और वस्ती हिस्सों में आईदा दो ऐसी तीन रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इमकान है जो मुल्क के बालई इलाके हैं ख़ास पर खै पख्तुनखवा के बालाई इलाके मरी और गलियात इन में भी अच्छी स्नोफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड है बारिश के बाद जो मैदानी इलाके हैं ख़ास उनमें जो है वो दर्ज हरारत काफ़ी हद तक मतदल हो जाएंगी और जो धुंद की कैफियत काफ़ी अर्से तक मैदानी इलाकों में छाई रही थी वो अब काफ़ी हद तक जो है वह कम हो जाएगी महकमा मौसम मियाद के मुताबिक सत्रह ऐसी इक्कीस फरवरी के दौरान मुख्तलिफ मकाम आरोप यालाबारी भी हो सकती है खैबर पखतूनख्वा मरी गल्यात कश्मीर और गिलगिल -गिल बल्तिसान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है सियाहों को मोहताज रहने की हिदायत की गई है मरिया मलिक पी टी वी न्यूज इस्लामाबाद गुजरात चौबीस घंटे के दौरान मुल्क के बेशर इलाकों में मौसम सर्द और खुश जब शिमाली अजला में मौसम शदी सर्द रहा महकमे मौसम के मुताबिक आईंदा चौबीस घंटे में मुल्क के बेशर इलाकों में मौसम सर्द और खुश जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा ताहम गिलगित बल्तिस और गिरदो नवाह में मतला अब आलू रहने के अलावा चांद मकाम पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है और अब बात करेंगे आज रिकार्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तो सबसे पहले अगर लह की बात करें तो लह में कम से कम दर्जा हरारत मनफी नौ डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया स्कर्दों में कालाम और अस्तौर में मनफी पांच, जबकि गोपिस में मनफी चार डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत चार डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया लाहौर आठ कराची चौदह पेशावर चार जबकि कोयटा में एक डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल